क्यों कैसे हो आप सभी भाई। जो इंग्लिश की शिक्षण विधि अपने प्रारंभ की थी, अंग्रेजी इंग्लिश टीचिंग मेथड के बारे में अपने पढ़ा था, उसमें अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। पिछली क्लास में अपन ने 3 बार हम चर्चा की प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ भाई प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन भाई आदत डालने का, विद्यार्थी में आदत डालने का सिद्धांत, इंटरेस्ट रुचि जागृत करने का सिद्धांत, और मोटिवेशन अभिप्रेरित मोटिवेट करने का सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज चर्चा करेंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस। भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वभाव का सिद्धांत, जो स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। तो ए चाइल्ड लर्न मदर टंग, समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना, पूरी लाइन समझाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस का, ए चाइल्ड लर्न मदर टंग इजीली, मतलब एक बालक जो मातृभाषा है वो आसानी से सीख जाता है, जो मदर टंग है वो आसानी से सीख जाता है। ए चाइल्ड लर्न मदर टंग इजीली, इजीली यानी आसानी से, बिकॉज देयर इज ए नेचुरल एनवायरमेंट, उसको प्राकृतिक माहौल मिलता है। प्राकृतिक माहौल कैसे मिलता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मातृभाषा सीखने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं भाई, किसी अपन संस्था में मातृभाषा सीखने के लिए नहीं जाते हैं। जो अपनी मदर टंग है उसे सीखने के लिए अपन किसी संस्था में नहीं जाते हैं। जैसे कि अपन राजस्थान के हैं तो अपन राजस्थानी घर पे ही सीख जाते हैं, हरियाणा के होते हैं तो हरियाणी अपन घर पे ही सीख जाते हैं, इस प्रकार से गुजरात के होते हैं तो गुजराती भाषा अपने घर पे सीख जाते। तो समझने वाली बात है, ए चाइल्ड लर्न मदर टंग इजिली बिकॉज देर इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट, उसे प्राकृतिक माहौल मिलता है इसलिए वो अपनी मातृभाषा को इजी तरीके से सीख जाता है। लेकिन लेकिन इन दी फैमिली, अपने परिवार में इजिली सीख जाता है, लेकिन बट यानी लेकिन बट देर इज नो सच इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखने के लिए अपन जो भारतीय हैं, जो अपने परिवेश है उस परिवेश में अपन जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखने का अपन को माहौल नहीं मिल पाता भाई। मैंने पहले ही बताया था कि भाषा लैंग्वेज माहौल द्वारा बोलकर सीखी जाती है, अपने आसपास माहौल रहेगा तो अपन बढ़िया तरीके से सीखेंगे भाई, बढ़िया तरीके से सीखेंगे उस भाषा को। अगर माहौल वैसा नहीं मिलेगा, माहौल अपना हिंदी का है तो अपन इंग्लिश उसको नहीं सीख पाएंगे। तो प्राकृतिक रूप से सीखने के लिए ये जरूरी है। स्वाभाविकता का सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एनवायरमेंट फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, सो द टीचर शुड प्रोवाइड ए नेचुरल एनवायरमेंट, इसलिए अध्यापक को एक नेचुरल एनवायरमेंट प्रदान करना चाहिए, एक प्राकृतिक माहौल प्रदान करना चाहिए विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, कौन सी फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश सिखाने के लिए। समझ में आया भाई, वापस से पूरे का हिंदी अर्थ करते हैं। ए चाइल्ड लर्न मदर टंग इजिली बिकॉज देर इज ए नेचुरल एनवायरमेंट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा आसानी से सीख जाता है क्योंकि उसे एक प्राकृतिक एनवायरमेंट मिलता है इन द फैमिली, उसके परिवार में। बट देर इज ए नो सच एनवायरमेंट, परंतु ऐसा एनवायरमेंट नहीं है फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखने के लिए हमारे माहौल में ऐसा एनवायरमेंट नहीं है। सो द टीचर शुड प्रोवाइड, तो मास्टर को, जो टीचर है अध्यापक को, वो माहौल प्रोवाइड, ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा विद्यार्थियों को। स्वाभाविकता का सिद्धांत यह कहता है, कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, टॉकिंग टू स्टूडेंट इन द क्लास एंड प्ले ग्राउंड, भाई अध्यापक बच्चों से बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो वैसा माहौल मिलेगा, क्लास में बात करेंगे और प्ले ग्राउंड खेल के मैदान में भी बात करेंगे, और भाई अरेंजिंग ए ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन अरेंज करेंगे जिससे कि इंग्लिश का माहौल प्रदान होगा उनको, इंग्लिश का माहौल प्रदान होगा। और अगर भाई घर पे माँ बाप भी इंग्लिश बोलने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसको आसानी से वो माहौल मिल जाता है, इसलिए भाई जो इंग्लिश बोलता है उसका बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। अब भाई जो राजस्थानी भाषा बोलता है उसका बालक भी शुरुआत में ही सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा ही बोलेगा, ऐसी बात है भाई। अब अपन आगे चलते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल प्रतिकृति का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या कहता है, नकल का सिद्धांत क्या कहता है,
इस बात के बारे में समझते हैं। ए लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू इमिटेशन, एक भाषा नकल के द्वारा सीखी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जो छोटा बच्चा होता है वो कौन सी संस्था में जाता है पढ़ने के लिए, नहीं, वो नकल करके सीखता है। भाई पिताजी जैसा बोलते हैं, माता जी जैसा बोलते हैं, उनका नकल कर करके धीरे धीरे सीखता है। तो एक भाषा नकल करके सीखी जाती है। ए लैंग्वेज इज लर्न थ्रू ए इमिटेशन, एक नकल के द्वारा एक भाषा सीखी जाती है। ए टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी ए मॉडल हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पे मॉडल का अर्थ क्या है भाई? एक अध्यापक को आदर्श होना चाहिए, आदर्श मॉडल का अर्थ यहाँ पे आदर्श है भाई। एक अध्यापक को बच्चों का स्वयं आदर्श होना चाहिए, जो बालकों को जिन विद्यार्थियों को वो पढ़ाता है उनका आदर्श एक अध्यापक को होना चाहिए। उसका स्वयं का प्रोनाउंसिएशन, हिज प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर शुड बी करेक्ट, भाई अध्यापक का प्रोनाउंसिएशन भाई बोलने का तरीका और ग्रामर सही होनी चाहिए। अगर अध्यापक ही गलत बोल रहा है तो विद्यार्थी नकल करके सीखेगा तो विद्यार्थी भी गलत बोलेगा। भाई गुड को अगर अपन गॉड बोलेंगे, जैसे गॉड बोलेंगे तो विद्यार्थी भी गॉड बोल के सीखेगा। बेड को भाई बेड है, गुड है, उसको अपन बेड को बेडली बोलेंगे, किसी भी प्रकार से गुड को गॉड बोलेंगे। इस प्रकार से अगर अपन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो विद्यार्थी गलत ही सीखेगा। समझने वाली बात है। नकल प्रतिकृति का सिद्धांत ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ये कहता है, और स्वाभिव्यक्ति का सिद्धांत अपन ने पढ़ा। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग ओरल अप्रोच, भाई प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग ओरल अप्रोच, सुनने और बोलने का सिद्धांत क्या बोलता है, सुनने और बोलने का सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को देखते हैं। पर प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच क्या कहता है इस बात को देखते हैं। आप यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच, सुनने और बोलने का सिद्धांत क्या कहता है, स्पीकिंग और ओरल अप्रोच, समझने वाली बात है। ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, भाई बोलने का जो सिद्धांत है ओरल वे है, वो प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे, फास्ट भाई जल्दी सीखने के लिए जो तरीका है वो एक ओरल प्रैक्टिस है, मतलब एक बोलने का अभ्यास कराने की प्रैक्टिस होती है, वो एक क्विकेस्ट वे है, एक फास्ट सीखने का तरीका है, एक जल्दी सीखने का तरीका है। ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, एक भाषा को जल्दी सीखने का तरीका कौन सा है, ओरल प्रैक्टिस, उसकी ओरल प्रैक्टिस की जाए, उसको बोलकर सीखा जाए, बोलकर सीखा जाए। शुड बी गिवन ए सफिशियंट सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन ए सफिशियंट प्रैक्टिस इन स्पोकन लैंग्वेज, इसीलिए अध्यापक को विद्यार्थियों को एक भाई ओरल लैंग्वेज सीखने के लिए एक सफिशियंट प्रैक्टिस अभ्यास करवाना चाहिए, सफिशियंट एक पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए स्पोकन लैंग्वेज, एक भाषा बोलने के लिए। भाई ये सुनने और बोलने का सिद्धांत ऐसे बोलता है, भाई बोलकर जो भाषाएं हैं वो जल्दी सीखी जाती है, इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों से बुलवाकर भाषा सिखवानी चाहिए। उससे विद्यार्थी क्या होती है कि भाई जल्दी भाषाएं सीखेंगे। अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अपन भाई एक भी टॉपिक नहीं छोड़ के चलेंगे, पूरा करके चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस और प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। भाई समझने वाली बात है, अपने पढ़ा मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इंटरेस्ट रुचि का सिद्धांत, हैबिट फॉर्मेशन आदत डालने का सिद्धांत, नेचुरलिज्म प्राकृतिक का सिद्धांत और इमिटेशन भाई नकल का सिद्धांत, नेचुरलनेस, इमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन और प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच, ये छह अपन ने पढ़े, दो दो चार दो छह पढ़ लिए भाई।
और दो तीन और बच रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे। फिर अपना प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है जो टॉपिक, वो समाप्त हो जाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए भाई, वीडियो को आप अतिरिक्त शेयर कीजिए भाइयों में, और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।